आज हम बात करेंगे एक ऐसे जुनून की जिसके पीछे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी और उसी एक जुनून ने उनको इतना बड़ा बना दिया कि उनकी डेथ होने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मॉर्निंग डे डिक्लेयर कर दिया। ये इंसान है उस्ताद बिस्मिल्ला खान और इनका जुनून था शहनाई बजाना। उस्ताद बिस्मिल्ला खान ऐसे पहले शख्स बने थे जिन्होंने शहनाई को ट्रेडिशनल फोक इंस्ट्रूमेंट जो सिर्फ स्कूल्स और मंदिरों में बजाई जाती थी उसको एक स्टेज कंसर्ट में एलिवेट किया और धीरे धीरे अपने जुनून का पीछा करते हुए उन्हें इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिला। 2001 में भारत रत्न लेने वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खान तीसरे ऐसे क्लासिकल म्यूजिशियन बने थे और 2008 में उन्हें स्टैम्प ऑफ इंडिया में भी प्रिंट करके सम्मानित किया गया और 21 अगस्त 2006 में कार्डियक अरेस्ट से हुई उनकी मृत्यु के बाद उन्हें इंडियन आर्मी की तरफ से 21 गन की सलामी दी गई। और इतना ही नहीं, जाते जाते उनकी शहनाई को भी उन्हीं के साथ वाराणसी में एक नीम के पेड़ के नीचे दफनाया गया। बस उनकी एक आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई, वो इंडिया के शहीद जवानों को इंडिया गेट पे शहनाई बजा के ट्रिब्यूट देना चाहते थे।